You're watching Newstainment Television. Check. Check one. अच्छा इशारे दे रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप सब गाओगे तो मैं भी गा देता हूँ, और उसके लिए जरा शोर में जाना पड़ेगा आप लोगों को। बट म्यूजिक हुक स्टेप चाहिए, फिर उसके लिए गाना चलाना पड़ेगा। बस उससे पहले मैं दो लाइनें ऐसे गा देता हूँ। इशारे तेरे कंगड़े दे, तेरी के दिल मंगड़े दे, मेरा भी दिल चोरी कीता, फैन तेरा बन गया ये। इशारे तेरे कंगड़े दे, तेरी के दिल मंगड़े दे, मेरा भी दिल चोरी कीता, फैन तेरा बन गया ये। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा ये गाना जो सर का फेवरेट गाना है, गाने का नाम है राजा रानी फ्रॉम दिस मूवी। अभी रिलीज नहीं हुआ है बट अब सर ने बोल दिया तो मैं उसकी दो लाइनें सुना देता हूँ। दिल दी गल तेनू कैडी मैं, तू मेरा राजा ते तेरी रानी मैं। दिल दी गल तेनू कैडी मैं, तू मेरा राजा ते तेरी रानी मैं, तेरी रानी मैं। थैंक यू सर, थैंक यू। गिव इट अप फॉर गुरु रंधावा लेडीज एंड जेंटलमैन। रूपा जी, ऑफ कोर्स वी हैव विद अस द वेरी गॉर्जियस साई एम मांजरेकर लेडीज एंड जेंटलमैन। सो गुड टू सी यू अगेन एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन दिस। एंड मुझे लगता है बातचीत का सिलसिला करेंगे, आप लोगों से बड़े सारे सवाल जवाब करने। देखिए कितने प्यार से माइक दे रहे हैं, देख रहे हो, इसीलिए ये केमिस्ट्री वहां पे स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। सो मुझे लगता है बाकी सबको भी एक एक करके बुला लेना चाहिए गुरुपा जी। एंड मैं बोली जाओगे अब वो हमें सुनने आए यार, क्या बोली जा रहे हो, इनको सुनने आए, हमें सुनने आए हो। यार मेरी पहली फिल्म आ रही, मुझे बोलने का मौका दो यार, थोड़ा सा चुप हो जाओ। अगले जो हमारी फिल्म है जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत से फिल्म डायरेक्ट करी है, उनको बुलाने से पहले मैं थोड़ा अपना काम कर लूँ। इतनी आवाज में काम होता है क्या, थोड़ा अपना काम कर लूँ। मुझे सुना है आज रोज डे है। बट जिन्होंने हमारी मूवी डायरेक्ट करी है, अ वेरी डियर जी अशोक सर, प्लीज कम ऑन स्टेज एंड आई वांट एवरीबॉडी टू मेक सम नॉइज फॉर जी अशोक सर। शोर मचाओ एक बार एवरीबॉडी। मुझे सुना है आज रोज डे है। और मेरे बड़े चाचा का रोल जिन्होंने फिल्म में करा है, बहुत ही हमारे पता नहीं कितनी सारी मूवीज उन्होंने करी हैं, आप लोगों ने उनको बहुत प्यार दिया, दिल से सारी लाइफ प्यार दिया, और हम चाहते हैं इस मूवी में भी उनको प्यार दो। अतुल सर प्लीज कम ऑन स्टेज एक बार, शोर मचा दो एवरीबॉडी। मुझे सुना है आज रोज डे है। म्यूजिक बनता है, म्यूजिक बनता है साथ में। मेरे पहलवान चाचा जो मूवी में बने हैं, जिन्होंने जिनको डॉले है नहीं बट उन्होंने बहुत ज्यादा दिखाया फिल्म में। मैं चाहता हूँ परेश सर प्लीज एक बार आप स्टेज पे आओ, एक बार शोर पे जाओ परेश सर के लिए। मुझे सुना है आज रोज डे है। म्यूजिक बनता है, म्यूजिक बनता है साथ में। ये एक बात मैं बोलना चाहूंगा गुरु रंधावा के लिए, एक ताली इसलिए बनती है कि सबसे संस्कारी हिंदुस्तानी बच्चा देखिए सबके पैर छू रहा है। क्या बात है, अब आपके पैसे शुरू होते हैं, अब आप बोल सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मैं तो ये बोल रहा हूँ बाकी किसी को रोज नहीं दिया, साई के आते ही सबसे पहले रोज दे तुमको। अरे बाकी लोग भी अपने घर परिवार के ही हैं, बट एनीवे गुरुपाजी के लिए और इस पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार। लेकिन इससे पहले इस मूवी में दो जने और हैं जो हमारी फैमिली को पूरा करते हैं, वो आज हमारे पास यहाँ पे आए नहीं है, बट इला अरुण मैम भी है मूवी में, एक बार उनके लिए शोर मचाओ। परितोष है मूवी में हमारी फैमिली को कंप्लीट करने के लिए, उनके लिए भी शोर मचाओ एक बार। एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक
जो पंचेस अभी हमने सुने, जो लिखावट सुनी, जो जो जिस हिसाब से उस विजन को सर ने स्क्रीन पे दिखाया हुआ है, वाह वाह, मतलब इसे कहते हैं बिल्कुल परफेक्ट एंट्री. लेडीज एंड जेंटलमैन, द स्टॉलवर्ट ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, मिस्टर अनुपम खेर इन द हाउस. अभी बस शुरुआत ही कर रहे थे हम यहाँ पे, है ना, तो शुरुआत भी मैं चाहूंगा सीधे ये जिम्मा आपको दे दिया जाए. सर आपने ट्रेलर देखा नहीं देखा अभी? मैंने नहीं देखा अभी तक, नहीं देखा. मैं बता देता हूँ यहाँ पे, अभी आपको रिस्पॉन्स से पता लगेगा. हम सब ने देख लिया, हमें कैसा लगा? आपके हम फैन है, हम सब आपके फैन है सर. बहुत अच्छा लगा फिल्म के दौरान. इट्स सो वंडरफुल टू वर्क विद पीपल हु आर मेजर इन वन फील्ड एंड गेटिंग टू अनदर फील्ड. या इट्स देयर फिल्म एंड वी हैव अ वंडरफुल प्रोड्यूसर एंड वंडरफुल कास्ट एंड डायरेक्टर. नए सिरे से मैं तो हर फिल्म अब न्यू कमर के हैसियत से करता हूं. बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल. वो तो मैं वही पूछने वाला हूं, ये जो पैर पैर पकड़ने का नाटक करते हैं ये सब लोग, ये ऐसी है, ये कोई नहीं, कोई नीचे तक नहीं झुकता. नहीं मेरी सर वीडियो है उनके पास रिकॉर्डेड, में पूरा नीचे तक झुका हूं. नहीं आप यहां तक गए. बट आई एम हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म. द टाइटल ही बहुत अच्छा है, कुछ खट्टा हो जाए, हमारे यहाँ हमेशा बोलते हैं कुछ मीठा हो जाए, तो जो इसमें मीठा वो मैं हूँ और खट्टे ये दोनों हैं. पूरा परिवार हमारा मीठा. बस अभी हम सब वही बात कर रहे थे, पंचेस वगैरह जो है, जो जो स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है, उसके अलावा ये कास्ट जो है ना, ये बड़ा एक कमाल का मिश्रण है. यू नो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, कॉमेडी है, एंटरटेनमेंट है, इमोशन है. आप मुझे बताइए, व्हाट इज दैट वन थिंग सर, वो उसी जील के साथ, जैसे आपने कहा न्यू कमर, सो वो जील रहती है, वो एनर्जी रहती है, वो कैसे रहती है सर? किसको देख के, कहां से? इनके साथ कॉम्पिटिशन है हमारा. हाँ मतलब इतने सारे लोग आते जाते हैं, तो अगर 40 साल बरकरार रहना है तो अपने आप को न्यू कमर नए हैसियत से शुरू करना. How beautifully have you done it, sir, in the past? You've been doing it and I'm sure आने वाले समय भी आप यही करते जाएंगे. बहुत बहुत धन्यवाद सर. Of course करता जाऊंगा. गुरुपाजी, this one's for you. सर जो है ना, of course बहुत सारी एनर्जी लाते हैं, बहुत सारी मस्ती लाते हैं, जोश लाते हैं, बट ही इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो सेट पे क्या चल रहा था थोड़ा सा बताइए, बिकॉज आप जैसे गुरु रंधावा, तो यहाँ एक्टिंग की बात करें तो गुरुजी यहाँ पे हैं खड़े, तो कैसे चलता था, क्या तालमेल रहता था? पहले तो मैं सबका थैंक यू करना चाहता हूँ कि मेरे को इस फिल्म का पार्ट बनाया, क्योंकि एज अ सिंगर जब मैंने डिसाइड करा मुझे मूवी करनी है, और जब ये स्क्रिप्ट आई तो हम रूम में जब स्क्रिप्ट सुन रहे थे हम सब हंस रहे थे, और आई थिंक उसी हंसी की वजह से और जिस इस मूवी का पार्ट बनने का मौका मिला उसके लिए थैंक यू. और अनुपम सर को जब मैं पहली बार मिला तब से लेके आज तक मुझे ऐसा लगता है, मैं आज भी सर को पहली बार वैसे ही मिल रहा हूँ, मेरे दिल का इमोशन वही है कि मैं उनको पहली बार देख रहा हूँ और इनसे पहली बार फिर कुछ ना कुछ नया सीख रहा हूँ आज, और जो पुराना सीखा हो मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और नया फिर से आज सीख रहा हूँ. और मूवी में जब पहले दिन हम मिले थे और सर ने मेरे को पूछा तेरी कौन सी मूवी है, कितना नंबर मूवी है, तो मैंने कहा मेरी पहली मूवी है सर. तो सर ने बोला मेरी 532वीं मूवी है. और मेरे को बड़ा अंदर से ना प्राउड फील हुआ, और मेरे को ऐसा लगा कि यार मैंने ना कुछ ऐसा अच्छा करा है कि मैं सर के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वो भी अपनी पहली मूवी में. उसके लिए सर आपका थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑन बोर्ड विद यू. और मैं इंटरव्यू में ये कह रहा हूँ कि ये सबकी ही मूवी है, ये सारे ही इसमें एक्टर्स हैं, और वी आर जस्ट डूइंग आवर बिट इन द मूवी. हम सब अपना अपना काम कर रहे हैं, बट मूवी ये सारे सुपरस्टार स्टार्स हैं इस मूवी में. इसको मेगा सुपरस्टार आप लोगों ने बनाना है, आप ही की ये मूवी है, आपके जैसी मूवी है, और हम चाहते हैं कि आप लोग इस मूवी को सपोर्ट करो और जरूर देखो. थैंक यू. क्या बात है. थैंक यू वेरी, थैंक यू सो मच. सही दिस वन्स फॉर यू, यू नो टॉकिंग अबाउट योर डेब्यू फिल्म, ऑफ कोर्स दबंग 3, देन उसके बाद मेजर हुई, और अब ये वो ग्राफ बड़ा एक अलग सा रहा है, लाइक ट्रूली यू नो I believe you believe in the fact कि मुझे हटके फिल्में करनी है. What do you have to say on that? और यहाँ पे कुछ या मत चलेगा चलेगा. गुलाब से भी आवाज निकलेगी साहिब के हाथ में जी. So how has the journey been for you? Or with this crew especially, what do you have to say?
I think this crew has been the kindest, sweetest, most fun crew that I have ever worked with, and I think that reflects on screen in the trailer. You can see how much fun we've had, how much love we've put into the film, and I hope that that love comes back tenfold, hundredfold. And I think it's been a great experience, the entire filming, and I'm so glad that it's turned out. वो बहुत खूबसूरत दिख रहा है सब कुछ स्क्रीन में, वो केमिस्ट्री बड़ी कमाल की लग रही है, तो मुझे बताइए जरा इफ यू हैड टू डिस्क्राइब गुरुपाजी इन वन वर्ड या यहाँ पे कुछ उनके बारे में बताना हो तो मसाला टांग खिंचाओ। ओए मैं बहुत टांग खींचते किसकी मेरी सबकी नहीं मैंने कभी टांग खींची नहीं आपके तो चलो वैसे नहीं खींच सकता जितना मासूम दिखता उतना मासूम है नहीं सर आई थिंक सही के साथ मैंने सही से भी बहुत कुछ सीखा इस मूवी में क्योंकि सही मेरी सीनियर है एज व्हेन इट कम्स टू मूवीज और सीनियर ही रहेगी हमेशा और मेरी फर्स्ट हीरोइन है तो मैं सही को उतने दिल से प्यार करूंगा जितने दिल से मैंने पहले दिन से सेट पे करा और रहती लाइफ तक क्योंकि मेरी पहली हीरोइन ऑलवेज सही रहने वाली है सो एक बार सही के लिए कर रही हूं Few things about her. She is the most chilled actress that I have worked with. Wow. She's always smiling, no issues, whether you play dumb charades with her, whether you play word building with her, she's always smiling. She's wonderful. She has great energy as a positive person. This is Newstainment Television.